विश्व के मशहूर उद्योगपति वेदांता ग्रुप लंदन के चेयरमैन अनिल अग्रवाल मंगलवार को कलकत्ता पहुंचे। महानगर में व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने अपने पसंदीदा अखबार सनमार्ग से खास बातचीत की। उन्होंने समाज से लेकर उद्योग जगत के कई पहलुओं को छुआ। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, आपने 75% अपनी दौलत जो है सोसाइटी के लिए दान करने की बात कही है, आपको किस चीज ने प्रेरित किया इसके लिए? ये जो धन है, अब मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे फैमिली सब मेरे साथ हैं। क्योंकि ऐसे भी पैसा तो आप यूज़ कर नहीं सकते हैं, 2-4% भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइफ ही बनी है, बनाई अपने धर्म कर्म में लिखा हुआ है। आप जो भी कमाते हैं, जो आपके लिए है, उसके अलावा जो भी आपको बचता है वो दूसरों के लिए ही है। तो अगर ये हम लोग प्लेज कर देते हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है, फैमिली में डिसिप्लिन आ जाता है। और हमने देखा है कि जिन लोगों से मैं मिला, जितनी सिंपल आप लाइफ रखें, अमेरिका इज़ एग्जांपल कि वहाँ के जितने बिलियनियर हैं आज वो इतना सिंपल रहते हैं, खुद ही गाड़ी चलाते हैं, खाकी पैंट पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, दिन में लंच कोई छोटे रेस्टोरेंट जाके खा लेते हैं। तो ये बहुत प्रेरित करता है। और हमारे सारे इंडियन लोगों को मेरा ये मैसेज भी रहता है कि हम लोग जितना सिंपल रहेंगे, क्योंकि डेस्परेटी नहीं रहना चाहिए, सामने वाला कोई छोटे लोग देखकर उनको कंफर्ट लगे कि हम लोग किसी चीज़ को फिल्दी नहीं बना रहे हैं। तो बहुत प्रेरित करता है, अमेरिकन लोग बहुत मेरे को प्रेरित करते हैं देने के मामले में। धन्यवाद सर। यहाँ पे अपने देखते हैं कि तनाव बहुत है हर किसी की ज़िंदगी में, तो आपको कैसे देखते हैं इसको और कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है? तनाव तो रहना ही चाहिए ना, कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाहिए? जब तक कि कंफर्ट जोन में जो रहेगा फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। तनाव अननेसेसरली आप क्रिएट कर दो कोई गलत काम करके, वो तनाव बहुत ख़राब है। बट काम का अगर तनाव है तो अच्छा ही है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लास्ट क्वेश्चन सर, बंगाल में निवेश के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बंगाल में निवेश बढ़ाने के लिए? बंगाल से अच्छी जगह कोई नहीं है जहाँ पर कि निवेश नहीं किया जा सके, क्योंकि आप देखो अंग्रेज़ लोग भी आए तो सबसे पहले उन्होंने यहीं की कैपिटल बनाई, सारी फैक्ट्रियाँ यहीं थी, सारी बड़ी बड़ी कारखाने यहीं थे। तो ये सही जगह है काम करने के लिए। बीच में ऐसा कुछ वातावरण हुआ जिसमें कि लोग डिस्कम्फर्ट हो गए, आदमी को डिस्कम्फर्ट कर देते हैं तो लोग भाग जाते हैं। तो वो कम्फर्ट फिर दोबारा आ रहा है, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप को दोबारा उभर रही है। उभरने से ये यहाँ भी इन्वेस्टमेंट चालू होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, पर कंसिस्टेंस रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।